तो वन सेकेंड वेलकम बैक टू चैनल गाइज। और पटना में बहुत ज़्यादा ठंड है। ये साल का मेरा पहला ब्लॉग है, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को, जिन लोगों को मैंने नहीं बोला था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था हैप्पी न्यू ईयर, तो आप लोग समझ ही गए कि हैप्पी न्यू ईयर अतुल भाई की तरफ से भी है ही। तो फिलहाल पटना में ओवर वाला ठंड है, और यहाँ पर मेट्रो का काम भी जो है वो जबरदस्त वाला जो है वो फिलहाल अभी चल रहा है। ये अभी फिलहाल भी रामकृष्ण नगर वाले एरिया रोड में, और इधर भी यार भयानक काम चल रहा है पटना मेट्रो का। एकदम बैक टू बैक वर्क अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए पटना मेट्रो का यहाँ पे भी एक पिलर बनाया जा रहा है, और अब रामकृष्ण नगर के तरफ भी जो है वो पटना मेट्रो का काम जो है वो दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों पटना मेट्रो का भी काम अब दिखना शुरू हो गया है रामकृष्ण नगर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे अपना जेसीबी वर्क कर रही है, सारे जगह पिलर्स बनाने का काम जो है वो चल रहा है फिलहाल रामकृष्ण नगर वाले रोड में है। ये सीधा आपका चल जाएगा भूतनाथ की तरफ। तो सोचे जा रहे कॉलेज, तो सोचे क्यों ना आपको पटना मेट्रो का एक छोटा सा झलक दिखा दिया जाए, एक छोटा सा जो है वो अपडेट दे दिया जाए पटना मेट्रो का। तो फिलहाल आपको बता दिए कि रामकृष्ण नगर के पास ये देखिए पटना सेंट्रल हॉस्पिटल, SBI बैंक, श्यामा पैलेस, सब जगह आपको इधर पटना सॉरी रामकृष्ण नगर एरिया वाले में दिखा होगा। वैसे बात की जाए तो बस बोर्ड ही घेरा हुआ था, लेकिन बोर्ड के पीछे क्या हो रहा था वो मैंने आप लोग को जो है वो दिखाया था। बोर्ड के पीछे गाइस जो है वो आपको दारू का बोतल, गोगो, बाहुबली और पान पराग देखने को जो है वो मिलता था। और मैंने इस पर एक कॉमेडी वीडियो, एक फनी वीडियो भी बनाया था इंटरव्यू टाइप का, वो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस पर प्यार दिखाया। मैंने उसको FB पे पोस्ट किया था, और FB पे ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने उसको देखा। तो इधर भी देखिए, इधर भी वही हाल है गाइस, इधर पटना मेट्रो का कोई काम नहीं हुआ है। पटना मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है, बट पटना मेट्रो का कोई काम जो है वो नहीं हुआ है। इधर इधर की बात कर रहे हैं हम, अभी चांगर साइड की बात कर रहे हैं। तो पटना मेट्रो का बस बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कोई काम जो है वो पटना मेट्रो का दिख नहीं रहा है। अभी थोड़ा सा काम दिख रहा है, अभी आपको कहाँ पे दिखा तो रामकृष्ण नगर वाले के साइड दिखा, बिगड़ापुर के साइड दिखा, थोड़ा सा काम दिखा पटना मेट्रो का। बाकी आप बढ़ेंगे शिवम कॉन्वेंट की तरफ और अपना पटना सेंट्रल स्कूल की तरफ, तो आपको उतना काम जो है वो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। और मकर संक्रांति भी आने वाला गाइस, तो आप आसमान में देखिए पतंग वगैरह उड़ रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही बढ़ेंगे आप थोड़ा इधर आएंगे शिवम कॉन्वेंट के साइड, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये देखिए यह है, यही समाधान पॉइंट के पास मैंने वीडियो बनाया था, ये देखिए ये है पटना मेट्रो का काम, दारू का बोतल मिल रहा है, यह है वह है ये है वो है। इधर देखिए, इधर इधर तो पटना मेट्रो का बोर्ड भी नहीं घेरा हुआ है, और इधर ये सब जो है वो आपका डस्टबिन वाला काम जो है फिलहाल अभी इधर चल रहा है। सारे डस्ट जो पार्टिकल्स है, बड़े बड़े गाड़ियाँ आती है यहाँ पे जो है वो अपना लगा के चल जाते हैं यहाँ पे, मतलब गिरा के चल जाते हैं। फिलहाल इस रोड को चौड़ीकरण कराया जा रहा है ताकि इधर पे पिलर होगा। यहाँ तक तो बाईपास बना हुआ है रोड, लेकिन उधर तक चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि पिलर बनाने का काम जो है वो इधर भी जो है वो स्टार्ट हो सके। बस आगे जाम न मिलेगा इस, नहीं तो फिर बहुत लफड़ा हो जाएगा कॉलेज जाने में। और अमूमन यहाँ पर देखा जाता है कि जगनपुरा के पास जाम लगता ही लगता है, अमूमन देखा जाता है कि जगनपुरा के पास जाम लगा रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे तो अभी कुछ जाम वाम दिख नहीं रहा है उतना, लेकिन फिर भी देखते हैं। हाँ जाम नहीं है, चलिए इधर कोई पटना मेट्रो का काम नहीं हो रहा है, मिलते हैं मलाही पकड़े वाले रोड। तो यहाँ से देखिए पटना मेट्रो का काम जो है वो आपको दिखना शुरू होगा। जैसे ही बाईपास से ढुलकेंगे आप मलाही पकड़े वाले रोड में, 90 फीट वाले रोड में, तो आपको मेरे दाईं ओर इधर देखिए पटना मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है। पहले ऐसा कोई बोर्ड लगा नहीं हुआ था, आगे से बोर्ड स्टार्ट था, लेकिन अब यहीं से बोर्ड स्टार्ट हो गया है। हालांकि बोर्ड के उस तरफ कोई काम नहीं हो रहा है, वैसे बस बोर्ड लगा दिया गया है क्योंकि लगाने के 4 महीना बाद जो है वो पटना मेट्रो काम स्टार्ट करता है। तो बोर्ड लगाने में क्या जाता है, बस बोर्ड ऐसे ही लगा देता है। और रोड की हालत भाई साहब एकदम ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। बट आपको पटना मेट्रो का मुझे अपडेट देना था, इस कारण हम इस रोड में घुसे हैं, वरना इस रोड में मैं तो नहीं आने वाला, लेकिन बस आप लोग के वजह से घुसे हैं ताकि थोड़ा कुछ अपडेट मिल जाए। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे दुर्गा जी बैठते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ा सा फील्डिंग मशीन जो है वो लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और इधर भी भाई साहब पिलर एकदम दनादन जो है वो बन रहा है, और काफ़ी रोड पूरा कंजस्टेड हो गया है, पूरा किचकिच वाला रोड हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा किचकिच हो गया। इधर देखिए ये पिलर का फॉर्मेशन कंप्लीटेड है, फायर कैप लगाना जो है वो, पियर कैप जो भी बोलो आप, फायर या पियर, उसको लगाना बाकी है। बाकी पिलर का काम जो है वो ऑलमोस्ट 90% इन दो पिलरों में कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला जो पिलर है वो बस ग्राउंड लेवल पे करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पे इस पिलर में जो काम है वो चल रहा है, हालांकि सरिया वरिया दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ कंक्रीट से रिलेटेड कोई वर्क नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इस पेड़ को काट दिया क्योंकि ये पेड़ जो है वो रोड पे आ रहा था,
और यहाँ पे ये वाला पिलर देखिए, ये वाला पिलर का भी वही हाल है, कंक्रीट वाला काम नहीं हुआ है लेकिन बाकी सारा काम जो है वो हो चुका है। ये पटना पुलिस की गाड़ी है, सॉरी पटना पुलिस नहीं है, पता नहीं क्या है, यूके लिखा हुआ। तो इधर देखिए, इधर भी सारा पिलर का फॉर्मेशन हो गया, दो दो यहाँ पे एक फैक्ट्री के पास, और इसका भी फायर कैप पियर कैप जो भी बोलो आप लगाना बाकी है। और इधर देखिए, इधर पटना मेट्रो का काम जो है वो चल रहा है, यहाँ से आगे जाते हुए पटना मेट्रो स्लोप डाउन हो जाएगा, हनुमानलाई पकड़ी पे एक जो है वो स्टेशन होने वाला है। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आपको काम दिखा रहे हैं। इधर देखिए, इधर से बोर्ड वोट हटा दिया गया है और इधर देखिए कुछ काम नहीं, बस गिट्टी बालू गिरा हुआ है। और अभी पहुंचने वाले हैं ईशान इंटरनेशनल स्कूल के पास, ईशान इंटरनेशनल स्कूल के पास हैं फिलहाल। अभी हम लोग हैं जायका वाले रेस्टोरेंट के पास 90 फीट में जो है, और यहाँ पे देखिए कि शरिया जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वर्कर्स भाई लोग अपना ठंडे में भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करोगे भाई, पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है जैसे हम कर रहे हैं। फिलहाल मेरा तो पेट मेरे पापा पाल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे को यार से ही करना पड़ेगा, ठंडा हो गर्मी हो निकलना पड़ेगा। और इधर देखिए, इधर भी पूरा पटना मेट्रो का पिलर जो बना हुआ है, इधर हाइट थोड़ा छोटा हो गया आपको दिख रहा होगा, तो धीरे धीरे हाइट आगे जाके छोटा हो जा रहा है पिलर का। और मलाई पकड़ी भी स्टेशन रहेगा, उसके बाद शायद अंडरग्राउंड हो जाएगा, और अंडरग्राउंड से शायद निकलेगा आपका वहाँ क्या बोलते हैं, मोइनुल के स्टेडियम के साइड शायद मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल अभी नहीं पता। इधर भी देखिए, ये सरिया वाला बस है, और यहाँ पे देखिए ये पिलर जो है वो बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक पिलर, दो पिलर, तीन पिलर, और लगातार आपको बैक टू बैक यहाँ पे पिलर दिखेगा। जस्ट मलाई पकड़ी के थोड़ा सा पहले आपको पिलर का काम जो बहुत सारा दिखने वाला है। और बोर्ड वोर्ड गिरने से रोड जो है वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, तो थोड़ा गाड़ियाँ चलने में दिक्कतें आती हैं, टेम्पो वगैरह चलाने में, हालांकि पटना पुलिस के गाड़ी को ओवरटेक कर चुके हैं। और इधर भी देखिए कि पिलर का काम बस पूरा कंप्लीट है, इसमें पियर कैप लगाना जो है वो बाकी है, मतलब कि लास्ट पॉइंट पे जो काम आके अटका हुआ है। उसके बाद इधर भी जो वो टी जैसा शेप जो होता है, इस तरीके का फ्लावर जैसा शेप होता है, वो वाला शेप लगाया जाएगा, जैसे भूतनाथ की तरफ लगाया जा रहा है, सेम उसी तरीके से इधर भी जो है वो लगाया जाएगा। यहाँ देखिए बाकी सब आपको पिलर गोल दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये पिलर जो है वो स्क्वायर दिख रहा होगा। स्क्वायर होने का रीज़न क्या है ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो आई डोंट नो स्क्वायर क्यों है। और मलाही पकड़ी पे कि स्टेशन होने वाला है पटना मेट्रो, अगला स्टेशन मलाही पकड़ी, दरवाजे बाई ओर खुलेंगे, ऐसा आपको आने वाले दिनों में जब सुनने को मिलने वाला है। हालांकि 2024 आते आते एक पेज स्टार्ट हो जाना चाहिए मेरे अनुमान से, वैसे वहाँ के वर्कर्स ने भी बताया था कि 2024 आते आते एक पेज का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, बाकी सेकंड पेज का काम वो बाद में, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन आते आते एक पेज का काम जो कंप्लीट कर देना चाहिए, कर ही देंगे लोग, यहाँ के वर्कर्स जो हैं, जो दिल्ली मेट्रो जो इसका ठीका लिया है DMRC। और इधर भी देखिए कि इधर पूरा पिलर बना हुआ है, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं डॉक्टर्स कॉलोनी गोलंबर की तरफ, यानी कि राजेंद्र नगर की तरफ। और इधर देखिए, इधर यहाँ पे पिलर और छोटा हो गया, और यहाँ पे पिलर और छोटा हो गया, तो यहाँ से जो है वो पिलर उठेगा, स्लोप डाउन हो जाएगा पिलर, मतलब स्लोप अप हो जाएगा, यहाँ से पिलर उठेगा, और उसके बाद पूरा पिलर होते हुए आपका भूतनाथ होते हुए, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, और बैरिया बस स्टैंड चल जाएगा। और इधर जो है वो ग्राउंड लेवल का जो मेट्रो रहेगा, पिलर इधर नहीं बनने वाला है, इधर यहाँ पे आपको दिखाया मैंने, यहाँ पे एक छोटा सा पिलर बना हुआ है बस, उसके आगे जो है पिलर वुलर कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। इधर जो जितना भी है आपका ग्राउंड लेवल वर्क रहेगा पटना मेट्रो का, हो सके अंडरग्राउंड भी इधर बन सके, और अंडरग्राउंड से बनते हुए निकल जाए आपका डायरेक्ट वहाँ मोनी लगे स्टेडियम, लेकिन बीच में रेलवे क्रॉसिंग है, उसको कैसे क्रॉस करवाते हैं DMRC, ये देखने की बात है। और या तो फिर यहीं से स्टार्टिंग हो सकता है पटना मेट्रो का, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से हो सकता है एक पेज का वो, क्योंकि वो मोनी लगे स्टेडियम वाला सेकेंड पेज में आता है, तो ये भी हो सकता है कि एक पेज का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे डॉक्टर्स कॉलोनी के पास हो। तो आगे कुछ पटना मेट्रो का अपडेट नहीं है गाइस, तो यही छोटा सा अपडेट दिए थे पटना मेट्रो का। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ठंडा में बच करिए गाइस, क्योंकि पटना में बहुत ज़्यादा ठंडा है, दस्ताना नहीं पहने हुए, ग्लव्स नहीं पहने हुए, लेकिन ठंडा मेरे को बहुत लग रहा है गाइस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।